Hi, this is Mohit Abrol. You're watching me on Cine Talkers Media. Welcome to Cine Talkers. Hi, thank you so much. Sub TV पे आपका न्यू शो आने वाला है अलीबाबा दास्ताने काबुल. वेल, इस शो के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस शो में फैंस को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? का क्या रोल रहने वाला है? यार, मैं जोरावर प्ले कर रहा हूँ. ये मेरी लुक है. अभी केप नहीं है. विद केप इट्स बेटर. और मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही क्लासिस्ट है, बहुत ही सरकास्टिक है, बहुत रूड है समटाइम्स. एंड यू नो, उसे पता है कि वो है क्या, तो ही डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी. और अपने आप को वो बादशाह समझता है पूरे परवाज का, क्योंकि उसके पापा सरदार हैं परवाज के. इज लाइक I own it on वाला कैरेक्टर. अच्छा, ये चीज़ें दास्ताने काबुल, ये सब हमने बचपन से देखा अली बाबा. एंड यू नो वट, हर कोई जब वो चीज़ें देखता है तो अजूम करता है कि हम इसका इस पार्ट का हिस्सा बन चुके. अजूम करने लगते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं. एंड यू नो लाइक आप उस चीज़ का भी हिस्सा है, तो कैसा फील कर रहे हैं? अमेजिंग, कांट इमेजिन यार. एकदम होता ना समटाइम इट्स सरियल कि अभी तो यू नो हम शूट कर रहे हैं तो इतना पता नहीं चलेगा, बट वेन इट कम्स ऑन स्क्रीन ना, तब आपको बहुत सरियल लगता है कि ओफ like oh god I'm the part of the show, है ना. तो एकदम से वो scenes, वो सब चीजें, तो yeah that time I'll feel surreal. मजा आता है, you know, like बचपन से ही कहानी सुनते आए हो और उसका पार्ट होना, you know, सोने पे सुहागा. और बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो या सो भोले बाबा की कृपा है. यू नो, ये क्वेश्चन तो पूछना एकदम ही अनवैलिड होगा कि जब स्क्रिप्ट आया तो क्या थिंकिंग थी, बट जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आया, फैमिली को पता चला, फ्रेंड्स को, तो क्या कमेंट्स आए उनकी तरफ से, क्योंकि आप इस चीज का हिस्सा बन चुके हैं? यार, व्हेन दे सॉ माय लुक दे वर रियली यू नो इंप्रेस्ड, एंड व्हेन द प्रोमो केम आउट दे वर डबली इंप्रेस्ड, बिकॉज़ यू नो बहुत लार्जर देन लाइफ बनाया, बहुत सुंदर बनाया प्रोमो, और सबकी लुक इतनी अच्छी आ रही है, सेट इतना अच्छा आ रहा है. So everybody is impressed and everybody is looking forward के क्या बना रहे हैं, you know? वो anxiety, वो रहता ना थोड़ा सा curiosity, तो बहुत build हो गई है. And look की बात की जाए तो कितना difficult होता है इस चीज़ को wear करना, और you know इस चीज़ में especially shoot करना, not easy. It's not easy, but वही हमें पैसे भी उस चीज़ के मिलते हैं, तो अपने character में you know हमारी look character का एक बहुत important part रहता है, तो you have to carry it, there's no other option. तो अब चाहे आप रोके कर लीजिए, चाहे हंस के कर लीजिए, तो इट्स बेटर. मज़ा आता है, थोड़ा सा हैवी रहता है थोड़ी सी, बट यू नो पीपल लाइक जो ड्रेस वाले हैं हमारे, हमारे प्रोडक्शन वाले हैं, दे वेरी हेल्पफुल, तो दे अंडरस्टैंड कि हाँ इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो दे टेक केयर. ओके, फर्स्ट डे जब शूट का था तो वेल कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे फैंस को? यार फर्स्ट डे बहुत ही यू नो हमेशा दैट एक्साइटमेंट इज देयर, यू नो दैट नर्वसनेस थोड़ी सी कि सेट पे जाके क्या होगा, आप फंबल तो नहीं करोगे, आपकी लाइन सही निकलेगी नहीं निकलेगी. यू नो उर्दू अरबी फारसी बोलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली लाइफ में हिंदी इंग्लिश बोलते हैं. हिंदी इंग्लिश और उर्दू के थोड़े थोड़े लफ्ज हम यूज कर लेते हैं, बट पूरा नहीं, पूरी तरह से उर्दू नहीं बोलता, तो या तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे थोड़ा रखना पड़ता है कि हाँ फंबल, क्योंकि यू नो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग रहता है अगर आपने कुछ गलत वर्ड बोल दिया या फंबल कर दिया. बट जैसे आप सेट पे आया, जैसे मैं आया था, तो हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं मान सर, तो उन्होंने इतना कम्फर्टेबल कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि हाँ हम काम भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं. तो यार सो इट बिकेम वेरी, बहुत ही मजा आया मुझे. फर्स्ट डे वाज वेरी फन, क्योंकि हम मस्ती भी कर रहे थे, शूट भी कर रहे थे, और वो सबसे अच्छे सीन आया अभी तक. अच्छा, यहाँ अली बाबा और आपके बीच जो टकरार है हमने तो देखा ही है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन या अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो फिर कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो? यार बॉन्डिंग अच्छी है, ऑफ स्क्रीन तो हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जैसे कभी होता है तो वी प्ले गिटार, वो भी गिटार प्ले करता है, मैं भी करता हूँ, तो मजा आता है. समटाइम्स वी सिट टुगेदर जैम. और जो सेट पे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दोनों के सीन्स वैसे रहते हैं, तो हम थोड़ा लाइटली लेते हैं उन सीन्स को, और अभी एक दूसरे से थोड़ा खुल गए हैं थोड़ा, तो मजाक भी कर लेते हैं एक दूसरे से, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. अच्छा, फ्रेंड्स ने अली बाबा और आपकी दुश्मनी तो देख ली, लेकिन फ्रेंड्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपका दिल किस पे आया है जिसकी वजह से अली बाबा से इस तरीके की दुश्मनी है? मेरा दिल आया पूरे परवाज पर. Okay. तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है, यू नो थोड़ा गरीब लोग मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनकी क्लास लेता रहता हूँ. वेल थैंक यू सो मच. लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है फैंस से? मैं चाहता हूँ कि फैंस हमारा शो देखें, डेली देखें, 22 को 8 बजे से, क्योंकि हमारा शो बहुत ही प्यारा है. पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हो, यू विल एंजॉय आवर शो टू द फुलेस्ट, और प्लीज हमारा शो देखें. थैंक यू सो मच.